सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। दोस्तों मेहनत से मोहब्बत करो क्योंकि यह आपकी कामयाबी की वजह बनेगा। जिंदगी है दोस्तों, निखरना है तो बिखरना तो पड़ेगा ही। आज का पंचांग 13 अगस्त 2024 दिन मंगलवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 9:31 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 10:44 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:44 से 5:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 13 अगस्त 2024 दिन मंगलवार, आज आप जिद्दीपन के प्रति अपना स्वाभाविक झुकाव महसूस करेंगे, लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है तो आप पछतावा भी महसूस करेंगे। अच्छे से स्थिति समझे। आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बढ़ने के स्थान पर स्पष्ट सोच से काम लें। अगर आप छोटी सी समझदारी से काम लेंगे तो समाधान जल्दी निकलेगा और आपको जल्दी खुशी मिलेगी। आज अवकाश या रोमांस के लिए समय निकालें। नए विचारों या आध्यात्मिक लोगों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अपने सूझबूझ का प्रयोग करें किंतु कारणों को नजरअंदाज न करें। खासकर जब बात मौके का फायदा उठाने की आती है तो कोई बुजुर्ग शायद दादाजी आपके दिमाग में सुखद विचार लाएंगे। आप घरेलू चिंताओं और काम के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास आपको विजेता के रूप में सामने ला सकता है। आपकी शक्ति रोजाना के काम नहीं बल्कि आपका परिवार है। खुश रहें क्योंकि क्रोध आपके पिछले दिनों के कामों को बिगाड़ सकता है। उपवास अन्न का नहीं बुरे विचारों का भी करें। तली भुनी चीजों से आप दूर रहें और नियमित व्यायाम करते रहें। अगर सफर कर रहे हैं तो अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान जरूर रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सामान की चोरी होने की संभावना है। आपका मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। रोमांचक दिन है क्योंकि आपके प्रिय का फोन आएगा। आपको पता लग सकता है कि आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। वजह जानकर आपको वाकई तसल्ली होगी। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी नहीं महसूस हुआ। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। अपने प्रयासों में गति लाएं तथा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी तथा आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्य सम्पन्न होते जाएंगे। कमाई सीमित रहेगी लेकिन आपकी हर एक जरूरत पूरी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन न करें। आपको अपने जीवन में स्थिरता पाने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की जरूरत है। दूसरों के जीवन पर ध्यान देने से बेचैनी हो सकती है। आपको अपनी काबिलियत पर ध्यान देना होगा। स्वभाव में बढ़ रही कटुता दूर करने की कोशिश करें। सरकारी काम से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखने होंगे। गलत बातों का इल्जाम आप पर आने की संभावना बन रही है। परिवार और पार्टनर के साथ चर्चा करके ही बड़े निर्णय लेने की जरूरत है। सेहत ठीक रह सकती है। आज के दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपने कामों को लेकर मेहनत अधिक करेंगे जिसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धार्मिक कामों में आपकी खूब रुचि रहेगी। यदि आपने कहीं कोई लोन अप्लाई किया है तो इस समय वह भी आपको मिल सकता है। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से समस्या हो सकती है। आपको किसी काम को लेकर कुछ कठिनाइयां रहेगी। सावधानियां, स्वास्थ्य संबंधित हल्की फुल्की परेशानी रहने की वजह से कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, परंतु तनाव ना लें।
पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपकी समस्याओं को हल करने में काफी हद तक सहायक करेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में शुभता और शांति से परिपूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें। आज के दिन पुरानी बातों को दफन करने का समय है, क्योंकि यथार्थवादी प्रभाव आपकी जिंदगी में आएंगे। नए शुरुआत सभी मोर्चे पर संकेत दे रहे हैं। आप एक दूसरे को प्यार करने के लिए अपनी प्रतिभा को नवनीकृत करेंगे, या आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। आपको ये पहचान करने की जरूरत है कि कौन सी चीज आपको पीछे की तरफ ढकेल रही थी, ताकि आप उसे छोड़कर आगे की तरफ अपनी जिंदगी को ले जा सके। प्यार में रचनात्मकता आपकी लव लाइफ को नई रोशनी प्रदान करेगी, इसीलिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और अपनी रोमांटिक सपनों को पूरा करें। पेट संबंधी समस्याएं अभी आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए ध्यान रखें। व्यवसायिक संकट को अपनी पार्टनर से शेयर करें और उनसे राय लें। परिवार और आध्यात्मिक मामलों में सही निर्णय बनाए रखें। अगर आपका रिश्ता नया है तो यह जान लें कि आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिलने वाला है। अपने साथी के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी साथी को मदहोश करने के लिए आपकी एक नज़र ही काफी है। बात करते हैं करियर की। व्यवसाय के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ेगी। इसका अच्छा फायदा भी मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क भी बनेगा, जिनके जरिए आप अपने व्यवसाय में भी आगे बढ़ेंगी। इस ट्रिप में आप जो निवेश करेंगे उसका भी बड़ा फायदा मिलने वाला है, इसलिए इस ट्रिप में प्रस्तुति दें और लोगों से संपर्क बढ़ाएं, भविष्य में काम आएगा। आपको अच्छा लगेगा कि पिछले दिनों आपको जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी आज कुछ भरपाई हो गई। अचानक आई किसी रकम से आपका बैंक बैलेंस भी कुछ दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन रुपए पैसे के मामलों में कोई हड़बड़ी ना दिखाएं। हालांकि आपके लिए गए कुछ फैसले अच्छे साबित होंगे और इससे आपका आर्थिक संकट भी काफी हद तक दूर होगा। आप अच्छा सोचें, समय बदलने वाला है। अच्छा, आपका ध्यान कहीं भटक सकता है और आपको लगेगा कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगी। परिणाम स्वरूप आप अपने कामों में पीछे रह सकती हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान है कि आप कार्य से एक दिन अवकाश लें और बाहरी गतिविधियों में एक दिन बिताएं। यह आपको ऊर्जा से भरेगा और आप नए उत्साह के साथ अपने लंबित कार्यों को निपटाने में सक्षम हो जाएंगी। बिजनेस में नए काम को लेकर व्यस्त रहेगी। पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, किसी तरह की वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने किसी करीबी की सेहत की खबर मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी प्रियजन की सेहत के बारे में चिंतित थे, तो आज उस बारे में भी राहत की खबर आपको मिलेगी। आपका कोई करीबी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, आज आपको उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आज का उपाय, आज आप शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।